सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार रहा प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मैं दीपा जोशी सुखी धाम से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीपा जोशी पहाड़ी जिले में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो गैज हम दीदी के ब्लॉग की स्टार्टिंग आज सुबह सुबह से हो रही है। तो गैज आजकल ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि ब्लॉग नहीं बनाने का कारण ये बरसात और इसने हमारा जो नुकसान कर रखा है ना, उस नुकसान से देख के मतलब ऐसा हो रहा है ना, कुछ कहना ही नहीं हो रहा है। तो गैज आपको दिखाती थी, मैं यहाँ पर इतनी बड़ी दीवार बनाई थी हमने और उसके ऊपर से जो बाउंड्री बनाई थी वहाँ की जो फर्श डाला था, और आप समझ सकते हैं कितना नुकसान हुआ होगा। तो आपको भी दिखाऊंगी मैं अभी। तो गैज इसलिए मतलब बिल्कुल ही दो तीन दिन से फ़ोन पकड़ने का मन भी नहीं कर रहा था और इधर उधर ही मैं थे, तो बस क्योंकि जिनमें चले जा रहे थे, तो क्योंकि घर में आके ऐसा मूड ऑफ हो रहा था ना, जब काम करो तो अच्छे से करो तो फिर उसके बाद नुकसान हो जाता है ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा क्या बताएं। दो दिन तक तो मैं रोने में लगी थी, मतलब मेरे को इतना रोना आ रहा था, कुछ कहना ही नहीं हुआ। तो गाइस अब तो गाइस ऐसा नहीं होता कि आंसू ही निकले, जो अंदर से रोना होता है वो कुछ अलग ही होता है। तो आपको दिखाती हूँ मैं। तो गाइस ये देखो, वहाँ से हमने ये बाउंड्री बनाई थी पूरी और इधर से भी। तो गाइस ये बीच का हिस्सा जो है ये पूरा टूट गया है और मैं जा रही हूँ अभी बारिश में ही, बारिश लगी हुई है ये देखो। तो गाइस देखो इतना नुकसान हो गया हमारा, ये देखो सारी पूरी दीवार नीचे से वहाँ तक पूरी टूट गई है। तो गाइस बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो बारिश में दिखाने जैसा भी नहीं हो रहा है यहाँ से। तो पूरी हमारी दीवार यहाँ से टूट गई है, तो अब दोबारा हमें मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी दोबारा बनानी पड़ेगी। अगर हमने ये फर्श भी नहीं डाला होता ना, तब भी इतना मतलब वो नहीं होता हम लोगों को, लेकिन हमने फर्श डाल दिया, उसके बाद भी अब उधर भी बैठ गया। मेरे को लग रहा है ये पूरा ही पोर्शन जाएगा अब ये वाला, ये देखो। तो गाइस देखो आजकल ऐसी किचपट हो रही है ना, कुछ कहना नहीं हो, ये बरामदा बना दिया, उसके बाद भी ये बारिश जब अंदर को आती है ना, तिरछी तिरछी बारिश आती है तो पूरा भीग जाता है। तो गाइस ये देखो छतरी भी खोल दी है, बाकी ये और ये ऐसा किचपट विचपट हो रहा है ना, कुछ कहना। पापा भी आ गए ड्यूटी से, बच्चों ने वहाँ ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रखा है। तो गाइस ये देखो इस टाइप से, और ये चुलाई मैंने तीन दिन हो गए हैं उठा रखा है, जब बारिश पड़ रही है तो ज़्यादा ज़्यादा हरी हो जा रही है उसके डोल के ऊपर भी, ये देख पापा देख। तो गाइस ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर बिल्कुल ये पौधा हो, क्योंकि मैं तीन दिन हो गए हैं आज इसको उठाए हुए, यहाँ पर रखा देखो इतना मस्त लग रहा है बारिश की वजह से। तो गाइस बाकी देखो ये ऐसा हो रखा है ना, किस पट्टे बिच पट्टे ये। तो गाइस कल तो हम बारिश में भी जंगल गए थे, लेकिन आजकल शेर का बहुत डर लग रहा है, तो अब नहीं जा रहे हैं हम, बहुत कम। अभी हस्बैंड जी और देवर जी गए हैं इतनी बारिश में तनकपुर, क्योंकि थोड़ा बहुत साग सब्ज़ी जो भी है लानी है, वैसे तो घर में भी हो रखी है थोड़ी बहुत, लेकिन जो प्याज टमाटर तो अभी फ़ोन आया था कि 100 रुपये किलो हो गए हैं करके, तो गाइस कुछ कहना ही नहीं हो रहा है। अब तो 100 रुपये किलो टमाटर हो गए हैं और हमारे पास इस बार टमाटर नहीं है घर में, थोड़े बहुत थे, तो फिर भी क्या करते हैं इतनी बरसात में। और जब बारिश नहीं आती तो ऐसा सोचते हैं कि बारिश नहीं आ रही, बारिश नहीं आ रही, जब बारिश आ जाती है तो ऐसा सोचते हैं बारिश बंद कब होगी, देखो यहीं तक आ रहे हैं किसी किसी। तो गाइस ये देखो ये कमरा हाल ही में बनाया था हमने, जॉइंट को अभी भी कोई भी मत बनाना, क्योंकि ये जॉइंट में देखो इतना सीलन और इतना ये, वैसे तो बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन इतना सीलन आ गया इसमें ये। तो गाइस मेरे को तो लग रहा है कि उत्तराखंड में तो सभी जगह बारिश हो रखी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फोनों में भी दिख रही है न्यूज व्यूज ये भी, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है और सरकारी संपत्ति को भी नुकसान हो रहा है, बाकी घरेलू चीज़ों में भी नुकसान हो रहा है, और हमारे को भी देखो इतना नुकसान हो गया, इतना अजीब लग रहा है ना, कुछ कहना ही नहीं हो रहा है। तो ये अब करते हैं घर का काम, आजकल तो घर का काम चल रखा है, लेकिन क्या कहें कुछ कहना ही नहीं हो रहा है, मतलब मन नहीं, ऐसा अजीब जैसा लग रहा है ना, कुछ कहना ही नहीं हो रहा, क्योंकि मतलब जब मेहनत करो ना उसके बाद इतना ऐसा मिल रहा है ना, क्योंकि गलती तो हमारी भी थी, हमने फर्स्ट में जब हमने डाला था उसी टाइम बहुत ज़्यादा पिचिंग विचिंग करके, उसके बाद हमने उसमें फर्स्ट में डाल दिया, फर्स्ट भी मैंने हमने हाल ही में डाला और एक साइड से उसने पानी पी ली थी दीवार में, तो इसमें बरसात का पानी एक दिन का पानी गया तो उसके अंदर मिट्टी का भरान था, तो वो मिट्टी का भरान डायरेक्ट उसने बाहर बाहर को कर दिया, और उसके बाद हमने हमारी लापरवाही रही थी, क्या क्या है कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अब तो हमारा नुकसान हो गया है बहुत ज़्यादा। तो गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। तो गाइस मिलते हैं हमको आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।